हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो के अंदर हम लोग लास्ट टाइप देखने वाले हैं ट्रेड का, ओके, जो है इंपोर्ट ट्रेड और उसका प्रोसीजर और इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है उसका मीनिंग देखने वाले हैं। ओके, पहले की वीडियो में हम लोग ने ऑलरेडी इंटरनल ट्रेड वगैरह क्या होता है या एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है वो सब देखा है। सो लेट अस स्टार्ट विथ इम्पोर्ट ट्रेड नाउ। सबसे पहले इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है, तो जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से गुड्स को परचेस करती है, ओके, तो उसको हम लोग इम्पोर्ट ट्रेड बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो कंट्रीज के बीच में या कंट्री के बाउंड्री के बाहर जब कोई ट्रेड होता है तो उसको इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट बोलते हैं। सो अगर सपोज एक कंट्री दूसरे कंट्री से गुड्स खरीद रही है, परचेस कर रही है, दैट इज अ इम्पोर्ट ट्रेड। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि इंडिया जो है वो क्या कर रही है, सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल को परचेस कर रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पोर्ट ट्रेड बोलेंगे। ओके, अभी ये जब इंपोर्ट किया जाता है गुड्स या एक कंट्री दूसरे कंट्री से गुड्स को परचेस करती है तो उसके अंदर कुछ प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है, ओके, जिसको चार स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्रीलिमिनरी स्टेज, दूसरा होता है प्री इंपोर्ट स्टेज, तीसरा होता है इंपोर्ट स्टेज और चौथा होता है पोस्ट इंपोर्ट स्टेज। तो ये वन बाय वन हम लोग सारे स्टेजेस देखेंगे जिससे हमको पता चलेगा कि इम्पोर्ट करते समय क्या क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है या क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले है प्रीलिमिनरी स्टेज। ना प्रीलिमिनरी स्टेज में क्या होता है कि इंपोर्टर को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अलग अलग अथॉरिटी के पास से अलग अलग चीजों के लिए, जिसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है DGFT, मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इनको जब आप अप्लाई करते हो या इंपोर्टर अप्लाई करता है तो उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, जिसको EIC नंबर बोला जाता है, ये इशू किया जाता है। दिस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इंपोर्टर की आइडेंटिटी होती है। हर एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट के ऊपर ये नंबर मेंशन करना पड़ता है, तो एक्सपोर्टर या हो या इंपोर्टर हो, दोनों के ये नंबर जो होता है वो ऑब्टेन करना होता है और जो इशू किया जाता है DGFT के पास से। फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी से पैन नंबर ऑब्टेन करना पड़ता है, जिसको परमानेंट अकाउंट नंबर बोला जाता है। ओके, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन GST फॉर्मेलिटीज वगैरह करनी पड़ती है, GST नंबर वगैरह लेना पड़ता है, उसके लिए GST अथॉरिटी होती है, उनको अप्रोच करना पड़ता है। तो ये सारे अथॉरिटीज के साथ इंपोर्टर को क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। दूसरा है नेगोशिएशन एंड ट्रेड इंक्वायरी। अभी क्या है, इंपोर्टर को गुड्स मंगाने हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको जो गुड्स चाहिए वो सप्लाई करने वाले कौन से एक्सपोर्टर से वो ढूंढने पड़ेंगे और उनके साथ नेगोशिएशन मतलब डिस्कशन या ट्रेड इंक्वायरी वगैरह करनी पड़ेगी, मतलब कोटेशन मंगाना पड़ेगा। कोटेशन का मतलब क्या होता है कि गुड्स का डिस्क्रिप्शन और प्राइस, जैसे कितने प्राइस में वो गुड्स सप्लाई करेंगे जो एक इंपोर्टर को चाहिए, वो डिलीवरी शेड्यूल मतलब कब तक वो गुड्स को डिलीवर करेंगे, क्रेडिट पीरियड मतलब कितने दिन तक पेमेंट जो है वो इंपोर्टर कर सकता है, ओके, देन सेल्स, पेमेंट, डिलीवरी, ये सबके टर्म्स एंड कंडीशन जो होते हैं यहाँ पे नेगोशिएट या ट्रेड इंक्वायरी की जाती है। मतलब इंपोर्टर अलग अलग एक्सपोर्टर के पास से कोटेशंस मंगाता है। ओके, उसके बाद में आता है प्री इंपोर्ट स्टेज। नाउ प्री इंपोर्ट स्टेज का मतलब क्या होता है कि जहां पे इंपोर्टर क्या करता है, गुड्स के लिए ऑर्डर प्लेस करता है, जिसमें सबसे पहले कोटा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। कोटा सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, कोटा मतलब लिमिट। कुछ गुड्स जो होते हैं उनको आप लोग चाहिए उतने इंपोर्ट नहीं कर सकते, उसके उसमें कुछ लिमिट दी रहती है गवर्नमेंट ने, और उतनी लिमिट में ही वो गुड्स को हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है और गवर्नमेंट अथॉरिटी जो होती है वो इंपोर्टर को बता एक लाइसेंस इशू करती है, सर्टिफिकेट इशू करती है, जिसके अंदर लिखा रहता है कि ये गुड्स आप लोग इतनी क्वांटिटी में इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे ऑयल इंपोर्ट करना है तो सर्टिफिकेट दिया जाता है, कोटा सर्टिफिकेट, जिसके अंदर मेंशन किया रहता है कि आप लोग इतने ऑयल के बैरल जो है इंपोर्ट कर सकते हो करके। ओके, तो ये कोटा सर्टिफिकेट सबसे पहले लेना पड़ता है अगर आपके गुड्स के लिए कोटा सिस्टम जो है वो अलाउ एप्लीकेबल होता है तो। दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज लेना पड़ता है। ऑब्वियसली आप लोग गुड्स को इंपोर्ट करने वाले तो आप लोगों को फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है, और ये फॉरेन एक्सचेंज ऑप्टेन किया जाता है RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, जिसके लिए इंपोर्टर को क्या करना पड़ता है, RBI का जो एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट है वहां पे एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है। ओके, फिर RBI क्या करती है, वो एप्लीकेशन को स्क्रूटिनाइज करती है, चेक करती है, और अगर सपोज वो जो एप्लीकेशन है प्रॉपर रहेगा तो उनको फॉरेन एक्सचेंज का क्लियरेंस मिल जाता है। ओके, सो यहाँ पे कोटा सर्टिफिकेट ले लिया, फॉरेन एक्सचेंज का क्लियरेंस भी ले लिया, अभी इंपोर्टर को क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, मतलब परचेस ऑर्डर भेजना पड़ेगा ईमेल के थ्रू या हार्ड कॉपी, जैसे भी एक्सपोर्टर डिमांड करेगा उस हिसाब से। जब तक ये परचेस ऑर्डर जाता नहीं है, कन्फर्म परचेस ऑर्डर, तब तक एक्सपोर्टर वहां पे गुड्स बनाएगा नहीं, तो इंपोर्टर को परचेस ऑर्डर भेजना पड़ेगा। परचेस ऑर्डर को ही इंडेंट बोला जाता है। ओके, जिसके अंदर सारे इंपोर्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह मेंशन किए रहते हैं।
ये जो परचेस ऑर्डर है उसके साथ साथ इम्पोर्टर को लेटर ऑफ क्रेडिट भी भेजना पड़ता है, मतलब एक्सपोर्टर जो होता है उसको जब इम्पोर्टर ऑर्डर प्लेस करता है तो एक्सपोर्टर इम्पोर्टर को रिक्वेस्ट करता है कि हमको LC भी इशू करो, लेटर ऑफ क्रेडिट भी इशू करो, ओके, बिकॉज जब ये इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कैश या चेक में पेमेंट नहीं किया जाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल पेमेंट या सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला पेमेंट है लेटर ऑफ क्रेडिट। सो लेटर ऑफ क्रेडिट से क्या होता है, एक्सपोर्टर को एक गारंटी मिलती है कि उसका पेमेंट जो है वो कहीं पे भी जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टर की बैंक जो होती है वो लेटर ऑफ क्रेडिट में मेंशन करती है कि अगर एक्सपोर्टर गुड्स टाइम पे भेजेगा या एक्सपोर्टर जब भी गुड्स इम्पोर्टर को भेजेगा तो यहाँ से इम्पोर्टर की बैंक क्या करेगी, एक्सपोर्टर को पेमेंट करेगी करके। तो ये एक सेफ मेथड ऑफ पेमेंट माना जाता है। तो एक्सपोर्टर जो होता है वो इम्पोर्टर को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे परचेस ऑर्डर के साथ साथ LC भी इशू करो, और ये LC की वजह से एक्सपोर्टर लोन भी ले सकता है गुड्स बनाने के लिए, ओके। तो इस तरीके से LC जो होता है उसके लिए इम्पोर्टर अपने बैंक में रिक्वेस्ट करता है कि एक्सपोर्टर के नाम पे LC इशू किया जाए करके। सो परचेस ऑर्डर भी भेज दिया, LC भी भेज दिया, अभी वहां पे एक्सपोर्टर गुड्स बनाना शुरू करेगा, पैकिंग करेगा और वहां से गुड्स भेजेगा। अभी यहाँ पे कस्टम फॉर्मेलिटीज वगैरह करनी होती है, जो हम लोग ने ऑलरेडी एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर देखा था कि कैसे सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो अथॉरिटी को सबमिट करना पड़ता है, उनका परमिशन लेना पड़ता है, गुड्स का चेकिंग वगैरह होता है। तो ये सारा जो काम होता है इसके अंदर काफी ज्यादा टाइम लगता है, ओके, और हम लोग को अगर फॉर्मेलिटीज पता नहीं होगी तो वो हमारा काफी ज्यादा कॉस्ट, टाइम और मनी, सब चीजें जो होती है वो हमारा वहां पे वेस्ट हो सकता है। तो इसके अच्छा क्या करता है, इम्पोर्टर एक एजेंट को अपॉइंट करता है जिसको CNF एजेंट बोला जाता है, क्लियरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट। नाउ ये क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट जो होता है वो सारी कस्टम की फॉर्मेलिटीज वगैरह करता है, मतलब सब डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करवाना, सब गुड्स का वगैरह चेकिंग कराना वगैरह, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो होता है वो CNF एजेंट करता है। तो उसको अपॉइंट करना पड़ता है यहाँ पे, उसके बदले में इम्पोर्टर उसको कमीशन देता है। शिपमेंट एडवाइस, जब एक्सपोर्टर वहां से गुड्स भेजता है तो वो क्या करता है, इम्पोर्टर को एक शिपमेंट एडवाइस देता है या उसको ईमेल वगैरह से भेजा जाता है। शिपमेंट एडवाइस का मतलब क्या होता है कि इम्पोर्टर को पता चलता है कि एक्सपोर्टर ने वहां से गुड्स भेज दिए है करके, तो उस हिसाब से इम्पोर्टर अपने देश में कस्टम क्लियरेंस के लिए अरेंजमेंट कर सकता है, सारी चीजें रेडी कर सकता है और गुड्स की डिलीवरी ले सकता है, अनलोडिंग मतलब गुड्स की डिलीवरी ले सकता है। तो ऐसा है शिपमेंट एडवाइस भेजा जाता है जिसके अंदर लिखा रहता है कि एक्सपोर्टर कौन है, उसने कब कौन से दिन पे गुड्स भेजे, कौन से शिप में से गुड्स आ रहे हैं, शिप का नंबर क्या है, ओके, डिटेल पैकिंग के डिटेल्स वगैरह या कितने कंटेनर्स वगैरह है, वो सारे डिटेल्स उसके अंदर लिखा रहता है। तो एक्सपोर्टर ने गुड्स भेजने के बाद में एक्सपोर्टर इम्पोर्टर को इन्फॉर्म करता है कि गुड्स यहाँ से निकल चुके करके, तो वो इन्फॉर्म करने के लिए शिपमेंट एडवाइस भेजा जाता है, ये काफी जरूरी होता है। अगेन फिर आता है आपका इम्पोर्ट स्टेज। नाउ यहाँ पे सारी वो गुड्स रिसीव करने की वगैरह, कस्टम के वगैरह फॉर्मेलिटीज जो होती है वो इम्पोर्टर को करना पड़ता है, पर जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये सारे काम करने के लिए इम्पोर्टर जो होता है वो CNF एजेंट, मतलब क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को अपॉइंट करता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स का वगैरह जो काम होता है वो करके देता है एक्सपोर्टर को। इम्पोर्ट स्टेज के अंदर सबसे पहले रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे ही एक्सपोर्टर वहां से गुड्स भेजता है तो उसके गुड्स के साथ साथ वो क्या करता है, वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपने बैंक में जाके सबमिट करता है, फिर एक्सपोर्टर की बैंक जो डॉक्यूमेंट इम्पोर्टर के बैंक को भेज देती है और इम्पोर्टर की बैंक को इम्पोर्टर को दे देती है। ये डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टर के लिए बहुत जरूरी होते हैं, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट्स अगर इम्पोर्टर के पास होंगे तो उसको कस्टम क्लियरेंस में गुड्स की डिलीवरी इजिली दी जा सकती है, ओके। सो डॉक्यूमेंट्स होने बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट को टाइटल ऑफ गुड्स बोला जाता है, टाइटल मतलब क्या, ओनरशिप ऑफ गुड्स। अगर डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे तो आपको गुड्स की कस्टडी इजीली दी जाएगी, अदरवाइज आपको फिर वो दूसरे फॉर्मेलिटीज वगैरह होते हैं वो सब करने पड़ेंगे गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए। तो जैसे ही एक्सपोर्टर वहां से गुड्स भेजता है वो क्या करता है, वो डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर अपने बैंक में सबमिट कर देता है ताकि उसकी बैंक जो है वो डॉक्यूमेंट इम्पोर्टर को भेज दे। तो कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, तो बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग मतलब क्या होता है, जिस शिप में से आपने गुड्स लाए वो शिप का बिल, पैकिंग लिस्ट, सारे पैकिंग के डिटेल्स वगैरह, कमर्शियल इनवॉइस मतलब जब बिल होता है बिल के अंदर वैल्यू वगैरह लिखी रहती है, क्वांटिटी वगैरह लिखी रहती है तो वो डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मतलब गुड्स कौन से कंट्री के है, कुछ कंट्रीज में जब गुड्स भेजे जाते हैं तो वो कंट्रीज ये सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं, ओके। देन सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, जब एक्सपोर्टर गुड्स का क्वालिटी का इंस्पेक्शन कराता है तो उसके लिए वो EIA मतलब इम्पोर्ट ये
एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन अथॉरिटी जो होती है उनको बुलाया जाता है, वो गुड्स की क्वालिटी चेक करते हैं और एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं जिसको सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन बोला जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो इम्पोर्टर को भेजे जाते हैं एक्सपोर्टर के द्वारा। फिर बिल ऑफ एंट्री होता है, ये सारा जो काम होता है वो CNF एजेंट करता है अभी। तो CNF एजेंट को क्या करना पड़ता है, ये बिल ऑफ एंट्री प्रिपेयर करना पड़ता है जो कस्टम क्लियरेंस के लिए लगता है, और ये बिल ऑफ एंट्री जो होता है वो कस्टम ऑफिस से मिलता है और इसको ट्रिप्लीकेट कॉपीज में फिलअप करना होता है। ट्रिप्लीकेट कॉपी मतलब कि 3 कॉपीज में उसको फिलअप करना होता है। बिल ऑफ एंट्री के अंदर क्या क्या लिखा रहता है, देखो, नेम एंड एड्रेस ऑफ इम्पोर्टर, कि इम्पोर्टर कौन है, उसका नाम एड्रेस, शिप का नाम क्या है, कितने पैकेजेस है, उसका मार्किंग वगैरह, कितनी क्वांटिटी है गुड्स की, देन कितनी वैल्यू है गुड्स की अमाउंट, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्या गुड्स है करके, ओके, देन नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम द गुड्स हैव बीन इम्पोर्टेड, मतलब जहाँ से गुड्स आया है वो, और कस्टम ड्यूटी मतलब जो टैक्स होता है वो। ये सारी चीजें जो होती है वो इसके अंदर बिल ऑफ एंट्री के अंदर लिखा रहता है, तो ये प्रिपेयर करना पड़ता है CNF एजेंट को। दूसरा होता है डिलीवरी ऑर्डर। नाउ डिलीवरी ऑर्डर जो होती है वो CNF एजेंट को लेना पड़ता है शिपिंग कंपनी के पास से। जब शिपिंग कंपनी का फ्रेट पे किया जाता है, मतलब जो रेंट होता है या भाड़ा होता है वो पे करने के बाद में शिपिंग कंपनी क्या करती है, CNF एजेंट को डिलीवरी ऑर्डर देती है। ओके, कभी कभी फ्रेट जो होता है वो एक्सपोर्टर पे करता है, कभी कभी वो इम्पोर्टर को पे करना पड़ता है। तो फ्रेट पे होने के बाद में शिपिंग कंपनी जो है डिलीवरी ऑर्डर देती है। डिलीवरी ऑर्डर के वजह से गुड्स को शिप में से उतारने के लिए ये कन्वीनियंट हो जाता है या परमिशन मिल जाता है कि आप लोग गुड्स को शिप में से उतार सकते हो करके। तो ऐसा पूरा डिलीवरी ऑर्डर इशू किया जाता है शिपिंग कंपनी के पास से। फिर बाद में कस्टम क्लियरेंस करना पड़ता है, वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो एक्सपोर्टर ने भेजे वो डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई करवाना पड़ता है कस्टम अथॉरिटी के पास, जैसे बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ एंट्री और पैकिंग लिस्ट और भी सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, वो कस्टम अथॉरिटी क्या करता है, उसको साइन करता है, सर्टिफाई करता है। तो यहाँ पे आप लोगों का इम्पोर्ट स्टेज मतलब पूरा कस्टम क्लियरेंस का प्रोसीजर हो गया और गुड्स की डिलीवरी जो है वो इम्पोर्टर को मिल गई। तो यहाँ पे अगेन CNF एजेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खत्म हो जाती है और इम्पोर्टर जो है वो CNF एजेंट को क्या करता है, पेमेंट कर देता है। उसके बाद में पोस्ट इंपोर्ट स्टेज आ जाता है जहाँ पे एक्सपोर्टर को सबके पेमेंट्स करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले पोर्टर्स ड्यू, ये जो पोर्ट की जगह यूज कर की थी उसके कुछ ड्यूज या उसके कुछ चार्जेस जो होते हैं वो पे करने पड़ते हैं, ओके। फिर बाद में कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी मतलब क्या, कभी भी गुड्स इम्पोर्ट किए जाते हैं या किसी भी देश में दूसरे देश से अगर गुड्स आते हैं तो एक टैक्स भरना पड़ता है, उसको कस्टम ड्यूटी बोला जाता है, वो पे करना पड़ेगा यहाँ पे। इंश्योरेंस प्रीमियम, मैंने आपको एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर भी बताया था कि अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, जब भी आप लोग नेगोशिएट करते हो तभी यहाँ पे डिस्कशन होता है। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं CIF होते हैं, कॉस्ट इंश्योरेंस बेनिफिट। CIF का अगर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो एक्सपोर्टर पे करता है, और FOB का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा मतलब फ्री ऑन बोर्ड अगर रहेगा तो उस केस में इम्पोर्टर जो होता है वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है। तो ये पहले से ही बात किया जाता है कि इंश्योरेंस कौन पे करेगा, ओके? तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा। फिर जो शिपिंग कंपनी है उसका फ्रेट जो वो पे करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके? उसके बाद में एक्सपोर्टर का जो भी पेमेंट है टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से वो एक्सपोर्टर का पेमेंट भी देना पड़ेगा, बिकॉज एक्सपोर्टर ने गुड्स भेज दिए, डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, तो अभी एक्सपोर्टर को यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। और लास्ट में है इम्पोर्टर को फॉलोअप करना पड़ता है। फॉलोअप मतलब क्या, जैसे उनको थैंक यू बोलना, या फिर अगर सपोज गुड्स में कुछ डिस्क्रिपेंसी वगैरह है वो सब, या नेक्स्ट टाइम कोई ऑर्डर वगैरह चाहिए होगा तो उसके बारे में वगैरह बातचीत करना, तो ये सब चीजें फॉलोअप में की जाती है। तो इस तरीके से पूरा इंपोर्ट का जो है वो प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया जाता है, और यहाँ पे एक कंट्री दूसरे कंट्री से गुड्स को परचेज करती है। ये सारे URL है जहां से मैंने इमेजेस ली है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड मतलब क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से गुड्स को परचेज करती है और किसी और कंट्री को वो गुड्स बेचे जाते हैं तो उसको इंटरपोर्ट बोलते हैं। मतलब एक कंट्री से परचेस करना, दूसरे कंट्री को बेचना, ओके? सो यहाँ पे कोई भी ड्यूटी या टैक्सेस वगैरह पे नहीं करते करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि इंडिया क्या करती है, रॉ मटेरियल जो है वो साउथ अफ्रीका से इम्पोर्ट करती है, मतलब परचेस करती है, और सेम रॉ मटेरियल क्या किया जाता है, जापान को बेचता है। तो इंडिया यहाँ पे सिर्फ इंटरमीडियरी का काम कर रहा है कि जापान से गुड्स को परचेज किया जा रहा है और यहाँ पे वो दूसरे कंट्री को बेचा जा रहा है, ओके? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। यहाँ पे भी आप लोग ये एग्जांपल देख सकते हो। तो इस तरीके से इंटरपोर्ट ट्रेड होता है पूरा, ओके? जहाँ पे एक कंट्री से गुड्स को परचेज करके दूसरे कंट्री को बेचा जाता है।
Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.